क्या बच्चों, आप सभी का गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पढ़ाएंगे कक्षा 10 का चैप्टर 2, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे उनकी। तो देखते हैं कौन सा है। यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू है 0 के, और ये कहेगा हमें कि इसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन निकालें। तो इसके लिए हमारे फॉर्मूले क्या होंगे। मान लें हमने इसके शून्यांक कितने हैं, माना शून्यांक अल्फा वह क्या है बीटा है, क्या माना हमने इसके शून्यांक अल्फा वह बीटा है, तब इन दोनों का योग और इन दोनों के गुणन क्या आएगी निकल के हमारे देखते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा होगा क्या, माइनस एक्स का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक बटे में कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला रेंज होगा वो कितना होगा, माइनस के सी अपॉन ए का, कितना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस के बी अपॉन ए के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शून्यांकों के गुणन की, शून्यांकों के गुणन की। तो शून्यांकों का गुणन जो होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा हमारा किसके, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसके अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद हम किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं होती, उसको हम क्या बोल देंगे, अचर पद बोल देंगे। तो अचर पद हमारा यहाँ पे क्या है, सी है, इसमें एक्स मल्टीपल में कोई भी नहीं है, इसलिए अचर पद कहलाएगा। अचर पद हमारा सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इसके गुणा में संख्या जो होगी उसे हम बोल लेंगे गुणांक यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो कितना है यहाँ पे ए। तो इस तरह हमारे पास एक द्विघात समीकरण में दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे बने, एक तो हमारा यहाँ पे होया अल्फा प्लस बीटा और एक हमारा यहाँ पे होया अल्फा इंटू बीटा का योग का और गुणन का, दो हमने यहाँ पे फॉर्मूले देखे। इसी तरह हमारा त्रिघात के इक्वेशन में है, जब हम त्रिघात के क्वेश्चन करेंगे तब हम त्रिघात पर यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं द्विघात के बारे में सवाल, तो द्विघात का हमने यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला बताया। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार है। क्या करना है उसमें, उसमें हमें उसके शून्यांक निकालने हैं और शून्यांकों के बीच संबंध यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या उसके बीच में रिलेशन हमारा बनेगा। तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस नो एक्स और प्लस बीस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे शून्यांक हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, वो हम इसके निकाल लेंगे। कैसे निकलेंगे हमें पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीस की मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में करेंगे, कितना होता है 20 से कम 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर हम यहाँ पे ढूंढेंगे जिनका जोड़ या घटाव कितना बैठेगा, हमारा 9 बैठेगा। अब हमने देखने का गुणा करने को तो हमारा 20 आए और जोड़ करने पर हमारा जोड़ या घटाव करने पर क्या आए, 9 आए। यानी हमने देखा इनकी जो 5 और 4 की गुणा है वो तो 20 आएगी और यदि हम इन दोनों का जोड़ करें तो 9 आएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे फैक्टर ढूंढे जो 20 वाली संख्या का क्या है, जोड़ या घटा और गुणा करने पर कितना मिले, हमें 20 मिले। तो जो हमारे फैक्टर यहाँ पे आए वो कितने आए, 5x प्लस 4x और प्लस के 20। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट में से x कॉमन हमने यहाँ पे ले लिया। फैक्टर आप लोगों को मैं क्लास 9th में सिखा चुका था। अब हम यहाँ पे फैक्टर को डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर इसके कर दिए। तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले दिया, अंदर होगा x प्लस 5, यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा x प्लस के 5। अब जो इसके शून्यांक हमारे निकलेंगे वो देखते हैं कितने आएंगे। ये हमारे शून्यांक निकालने के लिए यहाँ पे दो वैल्यू है। अब शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है एक द्विघात की इक्वेशन है, इसको हम यदि इक्वेशन को इक्वल टू 0 के रखे तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएंगे, यानी कि यदि इसको मैं पी एक्स बोलूँ, पी एक्स इक्वल टू 0, तो फैक्टर को इक्वल टू 0 के रखना होगा, यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो x प्लस 4 है वो इक्वल टू 0 के है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया हमारा, माइनस के 4। x इज इक्वल टू माइनस के 4 कैसा है, जो प्लस का 4 था उसको ले गए दूसरी तरफ तो कितना आ गया, माइनस के यहाँ पे 4 आ गया। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे किया x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 5 इस तरफ पॉजिटिव है, मैं ले गया इसको दूसरी तरफ तो वही हो गया यहाँ पे
नेगेटिव पर। तो इस तरह मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे दो शून्यांक निकल के आ गए, कितने, एक तो माइनस का चार और एक माइनस के पांच। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनके बीच संबंध का। तो संबंध इसने कहा है कि शून्यांकों के बीच रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को कि द्विघात इक्वेशन की गुणनफल और जो फल के लिए रिलेशन था, हमने यहाँ पे मान लिया कि जो इसके शून्यांक है वो अल्फा और बीटा है, और हमने अल्फा की वैल्यू क्या मानी यहाँ पे माइनस पांच और बीटा की वैल्यू कितनी मानी हमने माइनस के चार। तो योग की यदि मैं बात करूं तो योग कितना होगा इनका, माइनस के चार, माइनस के पांच और माइनस के चार, ये हो जाएंगे माइनस के नौ के इक्वल। और योग के लिए हमारा क्या सूत्र था, क्या था, माइनस एक्स का गुणांक और फिर कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक यानी कि मल्टीपल जिसको हम बोलते हैं। तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे नौ, यानी कि माइनस के नौ, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे बीस, यानी कि नीचे, सॉरी एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक एक है, एक है। तो इस तरह हमने देखा ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारी सेटिस्फाई होती है। अब इसी तरह हम देखेंगे गुणन में। तो गुणन में करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, गुणा की दोनों शून्यांकों की, तो माइनस के पांच गुणा माइनस के चार, ये हो जाएंगे कितने बीस, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हमको मिलेंगे कितने बीस। अब गुणन में भी हमारा फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा कितना है यहाँ पे बीस, और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है एक, यानी कि हमारा मिला बीस, जो दोनों यहाँ पे क्या है इक्वल है। इस तरह हम यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन बना सकते हैं। अब देखते हैं हमारा, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसकी, सेवन की। क्वेश्चन यहाँ पे वन, क्वेश्चन यहाँ पे टू टू फाइव आप लोग खुद करने ऐसे होमवर्क, और आप लोगों को जो क्वेश्चन है गौर भी लेटर कॉलेज की साइड से सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए आप लोगों को गॉडविल इंटर कॉलेज की साइट पे जाना है www.godwillintercollege.com पे, और वहां से आप लोग हर क्वेश्चन एक्सरसाइज का पुटअप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा है छह एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का टू, ये हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है। तो उसी तरह हमें इसको करना है, सबसे पहले हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर उनमें क्या करेंगे रिलेशन यहाँ पे स्थापित करेंगे, यानी कि संबंध स्थापित करेंगे। तो कैसे, हमने क्या किया, टू की मल्टीप्लाई यहाँ हमने क्या की सिक्स में की, वो क्योंकि हमें शून्यांक निकालने हैं, और शून्यांक निकालने के लिए हम लास्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई शुरू वाली वैल्यू में हमेशा करते हैं। तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, मिलेगा हमें कितना 2L। अब 12 के ऐसे गुणनफल हमें ढूंढने हैं जिनका जोड़िए घटा कितना मिलेगा हमें, माइनस का x मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। तो हमारे पास एक तो 6 दो 12 होते हैं, तो 6 में से कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि बीच में दोनों में से नहीं है। और दूसरा गुणनफल हमारे पास होता है 12 गुणा 12, तो वहां भी नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास होता है 4 गुणा 3 कितने होते हैं 12। यदि मैं इसको माइनस का 4 रखू, इसको प्लस का 3 रखू, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। अब जब माइनस 1 हमें यहाँ पे मिले, तो हमने यहाँ पे अपने फैक्टर को रखा, तो 6x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के यहाँ पे कितने हो गए 2, माइनस के कितने हो गए 2। अब हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया 2x कॉमन, तो अंदर हो गए 3x माइनस के 2, यहाँ से 1 और यहाँ पे 3x माइनस का 2, तो यहाँ से मुझे मिला कितना 2x प्लस का 1 और फिर कितना मिला 3x माइनस का 2। तो हमारे पास यहाँ से कितने हैं 2 फैक्टर हमारे यहाँ से हमको मिले। अब हम देखते हैं आगे के इसमें प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि बहुपद दिया हुआ है। बहुपद हमारा कैसा है, एक द्विघात समीकरण के रूप में हमारा क्या है बहुपद है। तो हमने क्या किया, इक्वेट करा जीरो के, तो 2x प्लस 1 को इक्वेट किया जीरो के, तो x के जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, माइनस का 1 हो गया, यानी कि माइनस के 1/2। अब इसी तरह मैंने इक्वेट करा किसको, 3x माइनस के 2 को, तो यहाँ से कितना आया x की वैल्यू 2/3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इनमें रिलेशन स्थापित,
यानी कि संबंध स्थापित मुझे करना है। संबंध स्थापित करने के लिए मैंने क्या किया, संबंध स्थापित करने के लिए देखते हैं क्या क्या संबंध स्थापित करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको अल्फा और इसको बीटा मान के हम यहाँ पे चले। अब हमने इनका योग निकाला, पहले योग दोनों का करा तो माइनस के 1/2 और प्लस 2/3 एलसीएम हमारा कितना है इसका 6, 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ और ये हो जाएगा 2×2=4, यानी कि हमें यहां से मिला कितना 1/6। अब योग में हमारा क्या था, योग में हमारा था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, योग में था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन, इसका मल्टीपल हमारा यहाँ पे कितना है माइनस का 1 और a कितना है 6, तो माइनस का 1/6 1/6। तो हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू हमारे क्या है यहाँ पे इक्वल है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गुणन की, तो गुणन में क्या है हमारा, गुणन में गुणा करेंगे हम दोनों की, इनकी हमने मल्टीप्लाई की 1/2 और 2/3 कितना आ गया, 2×2 कैंसिल और माइनस का 1/3। गुणन में क्या था हमारा अल्फा इंटू बीटा, गुणन में हम यहाँ पे लेकर चले थे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू सॉरी गुणन में हम लेकर चले थे अल्फा इंटू बीटा, तो उसमें थे हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अचर पद हमारा माइनस के 2 और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना आया 6, कैंसिल किया तो माइनस का 1/3 हमें यहाँ पे मिला। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों वैल्यू हमारे क्या है इक्वल, तो इस तरह हम यहाँ पे इनमें रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लें, देखते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की सबसे पहले 1 में, यहाँ मल्टीपल क्या है एक्स स्क्वायर का 1, तो हमने क्या किया 6×6। अब इन दोनों का जोड़ हमें ऐसे फैक्टर यहाँ ढूंढने हैं कि इन दोनों का जोड़ या घटा कितना आना चाहिए 2√2, और गुणा करने पे हमारी कितनी मिलनी चाहिए यहाँ पे 6। तो हमने यहाँ पे देखा यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 3√2 और √2 की, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कितना, यहाँ पे 6 मिलेगा। कैसे, √2 और √2 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 2। अब यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे 6। अब मैं देखता हूं इनको जोड़ करके, √2 और माइनस का √2 कितना मिलेगा, तो 2√2, तो इसके सुटेबल जो फैक्टर बैठेंगे वे हमारे कितने होंगे, ये वाले हमने यहाँ पे इनको लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस का √2 एक्स और माइनस का 6, हम इसको इस तरह यहाँ पे लेकर के चले। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करने हैं। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन यहाँ पे कितना ले लिया, एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो अंदर हमारे जो बच्चे एक्स प्लस ये बच गए हमारे। अब हमने देखा कि हमें पता है कि जो हमारा इस ब्रैकेट में वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारी वैल्यू यहाँ पे होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ से कॉमन कितना ले दिया √2। अब कहेंगे कि √2 कैसे कॉमन आया, कॉमन आया कैसे, यहाँ पे था नहीं तो हमने क्या किया यहाँ पे अरेंज कर लिया, कैसे एक्स माइनस टू प्लस हो गया और 6/ कितना आया √2, तो जो यहाँ पे मल्टीपल में नहीं होता वो कहाँ आता है भाग में, यदि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे ट्वीट कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारी बच जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज यदि करके देखू √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 हो गए और 2 से जैसे हम कैंसिल करेंगे 6 को तो कितना आएगा यहाँ पे 3, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 3, तो मिल गए हमको दोनों सेम यहाँ पे ब्रैकेट में। अब हमने इनके फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, तो x माइनस √2 और x प्लस 3√2 मुझे यहाँ पे क्या मिले गुणनफल मिल गए। अब हम इनके शून्यांक ज्ञात करते हैं कैसे, इक्वेट किए 0 के इक्वल, तो x बराबर कितना है √2 और फिर x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 के यहाँ पे हो गए, और फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली मुझे यहाँ पे 3√2, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई, क्यों नेगेटिव था दूसरी साइड है इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से 2 हो गया। अब इसी तरह हमने इसके निकाले माइनस के 3√2 हमारे हो गए। अब हम देखते हैं इन दोनों में रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन के लिए देखेंगे इसको अल्फा ले लिया और इसको क्या ले लिया हमने बीटा। अब क्या करेंगे कि योग, हम योग की यहाँ पे बात करेंगे, तो योग के लिए मैंने क्या किया दोनों को यहाँ पे ऐड किया √2 प्लस माइनस का 3√2 कितना यहाँ पे मुझे मिला, कितना मिला मुझे यहाँ पे 3√2 में से 1 रूट गए तो कितना मिला माइनस के 2√2,
और योग में क्या था, हमारे योग में था अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता था, तो कैसे ये रहा, तो इसको हम माइनस बी कह दिया और अपोन में कितना है वन, यानी कितना मिला माइनस के दो रूट दो जो कि इसके इक्वल है, यानी कि रिलेशन को सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। अब गुणन, गुणन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, रूट दो गुणा माइनस के तीन रूट दो, दो रूट दो दो हो गए और तीन यानी के माइनस के यहाँ पे सिक्स हमको मिले। अब गुणन के लिए क्या था, अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा यानी के सी अपॉन ए, सी हमारा कितना है माइनस के सिक्स और ए कितना है वन, यानी के माइनस के सिक्स हमें यहाँ से मिले जो कि इक्वल किसके है माइनस के सिक्स से। इसी तरह हमें रिलेशन आगे क्वेश्चन